वेलकम टू एम एस इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरे पास आज एक डेल का मीटर में है, एलईडी पीस आया हुआ है और इसका मॉडल नंबर है, मॉडल नंबर ये वाला P2213T। और इसका मैं आपको फॉल्ट दिखाता हूँ। इसका फॉल्ट है, ये मैंने पावरिंग की, सॉरी पावर की तार लगाई और अब इसको मैं पावर देता हूँ। ये मैंने पावर प्लग इन किया और इसका ये गौर से आपने देखना है, ये लोगो आ रहा था और साथ में ना लाइन आ रही थी, बाद में हम देखते हैं क्या करती है। ठीक है, अभी ये बाद में वाइट हुई है और ये रेड ग्रीन और ब्लू का डिस्प्ले दे रही है। अब मैं आपको दोबारा ऑन करके दिखा देता हूँ, ये ऑफ किया और ये ऑन किया। अभी आपने गौर से देखना है, ये थोड़ा सा लोगो आता है वो भी ठीक से नहीं आता, बाद में रेड ग्रीन ब्लू का डिस्प्ले दे रही है। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, इतनी देर के लिए मैं वीडियो को पास कर देता हूँ। ये हमने इसका बैक और ओपन कर लिया और इसका जो पैनल नंबर है ना वो है, ये मैं आपको जूम करके ज़रा बता देता हूँ, ये देखिए LTM 220 MT12। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये एक बात बता दूँ, ये जो फॉल्ट होता है ना ये ज़्यादातर आता है डाटा मिसिंग की वजह से आता है। अभी मैं इसको ओपन करके आपको बताता हूँ। अभी ये हम उतार लें, TFT के ऊपर जो कवर लगा हुआ है ये हम इसको ओपन करते हैं। अभी ठीक नज़र आ रहा है कैमरे में। ये हम ओपन करके ना इसके डाटा वोल्टेज ना वो चेक करेंगे जो हमारी VGA के थ्रू TFT में इन होती है पैनल सर्किट में। ये पावरिंग कर दी, अभी ये यहाँ पे इसकी बैकलाइट ऑन हो गई है। सही है, इसका मतलब हमारी LCD ऑन हो गई है। अब मैं इसका इसके वोल्टेज में चेक करवाऊँगा। ये मैंने मीटर की रेंज सेट कर दी। अब हम इसके वोल्टेज जो स्क्रीन के इन होते हैं VGA के थ्रू वो चेक करेंगे। ये हमारे 5 वोल्ट आ रहे, ठीक है, जो पैनल वोल्टेज मेन वोल्टेज थे। अब हम इसके जो ये डाटा ना जो ओड और इवन के डाटा के वोल्टेज चेक करेंगे, 1.1 1.46, ये तकरीबन है एक से ऊपर होते हैं ना, 1.3 1.4 या इसके करीब होते हैं। अभी हम सब बारी बारी चेक कर रहे हैं, ठीक आ रहे हैं, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये वोल्टेज हमारे कुछ मसला कर रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कभी बन रहे हैं, कभी नहीं बन रहे। अच्छा इसको देखते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तकरीबन हमारे सब ठीक है। लेकिन ये वाला जो हमारा डाटा है ना, ये वाला है, ये कभी बन रहे है कभी कम हो रही है। ये है, अभी हम इसको देखते हैं कि किस वजह से ये कम ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा सबसे पहले हमने इसका ये LVS जैक है जिसके थ्रू अंदर वोल्टेज डाटा के इन होते हैं, हम उसको देखेंगे। ये आप उतारेंगे, ये देखे दोस्तों, यहाँ हमारे ना यहाँ ये डाटा के पॉइंट पर ना कार्बन टाइप की ना कुछ चीज़ आई हुई है। ये गौर से देखें, ये कार्बन टाइप की ना कोई चीज़ आई हुई है, ये देखें। अभी हम इसको थोड़ा सा वॉश करेंगे या साफ करेंगे किसी ब्लेडमा चीज़ से।
ये अभी हमारा साफ हो गया है, अच्छे से साफ करना, थोड़ा सा भी ना रहे। अगर ये रहेगा तो आपको फिलहाल तो एलसीडी पैनल ऑन तो हो जाएगा, डिस्प्ले आ जाएगा, लेकिन वो फिर आस्ता आस्ता ना कुछ दिनों बाद बढ़ जाएगा। सही है, ठीक हो गया। अभी ये मैं जैक लगा रहा हूँ इसको, LVS जैक, और इसका दोबारा पावर का शो इन करूँगा। ये मैंने लगा दी है और ये इसकी पावर ऑन हो गई है, और अभी मैं इसके वोल्टेज चेक करूँगा, डाटा के जो वोल्टेज ना वो चेक करूँगा। 1.3, 1.27, 1.23, 1.4, 1.3, 1.1, 1.34, 1.3, 1.3, 1.27। अभी ये देखे जो हमारे कम ज़्यादा वोल्टेज हो रहे थे ना, अभी वो फिक्स है 1.23, और आगे वाले भी चेक कर लेते हैं 1.5, 1.34, 1.4, 1.37, 1.1। अभी तकरीबन हमारे बिल्कुल वोल्टेज सारे ओके हैं। अभी हम इसको अपने एलसीडी को सीधा करके चेक करते हैं, आया कि हमारे डिस्प्ले आया कि नहीं। अभी ऑन करके चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये अब इसका लोगो शो हो गया है बिल्कुल ओके, जो हमारा फॉल्ट था वो क्लियर हो गया है। सही है, मैं दोबारा ऑन ऑफ करके आपको चेक करवा देता हूँ। ये दोबारा मैंने इसका प्लग इन किया है, ये डेल का लोगो आ गया है और हमारा फॉल्ट क्लियर है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने न्यू चैनल बनाया हुआ है और आप दोस्तों ने सपोर्ट करना है, इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और ज़्यादा से शेयर ज़रूर करना है। तो आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, इंशाल्लाह मैं ऐसे फॉल्ट और मज़ीद जो भी मेरे पास हुआ और जितना इलम मेरे पास हुआ वो इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम।